गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिटीज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्री बीए बीएड प्री बीएससी बीएड का प्रवेश पत्र हुआ जारी। जी हां, आईटीपी प्रोग्राम के तहत नए कोर्स है जो कि 4 वर्षीय कोर्स है, जिसमें बहुत सारे साथियों ने आवेदन किया हुआ है, उनका प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। विस्तार से इनकी ऑफिशियल जानकारी दूंगा। साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ देखिए कार्यालय व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ अर्थात सीजी व्यापम के माध्यम से जारी की गई ये अधिसूचना है। 31 मई 2024 का नोटिफिकेशन है। पीएटी पीवीपीटी एवं प्री बीए बीएड प्री बीएससी बीएड का प्रवेश परीक्षाओं के प्रवेश पत्र के संबंध में ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा दिनांक 9 जून रविवार को पेपर लिया जाना है, जिसमें प्री बीए बीएड बीएससी बीएड का भी पेपर सम्मिलित है। इनका प्रवेश पत्र 31 मई 2024 से डाउनलोड होना शुरू हो गया है साथियों, अर्थात आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ आपको अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा, तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्रोफाइल में जा करके डाउनलोड करेगा। अर्थात जब आप cgvyapam.cgstate.gov.in पर जाएंगे, आपका आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसी प्रोफाइल को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन होता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड वाले ऑप्शन में आप जा करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर जो है 9 जून को लिया जाना है। एक चीज मैं और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है मेरे दोस्तों, तो वहां पर पहचान के रूप में एक दस्तावेज लेकर जाना होता है। इस दस्तावेज में आप यदि चाहें तो किसी भी आईडी प्रूफ को ले जा सकते हैं। जैसे परीक्षार्थी क्या क्या ले जा सकता है, तो अपना फोटोयुक्त मूल आईडी प्रूफ जैसे कि मतदाता पहचान पत्र ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो भी आप ले जा सकते हैं, पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट हो उसको भी आप ले जा सकते हैं, विद्यालय का फोटोयुक्त यदि परिचय पत्र है या अंक सूची हो तो मूल प्रति आपको ले जाना होगा। तो इस तरह से आपको परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य है। मूल पहचान पत्र यदि आप नहीं लाते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, सभी व्यक्ति के पास में एक जो आईडी प्रूफ है वो रहता ही है, वो है आपका आधार। आधार कार्ड सभी के पास रहता है तो आधार आप बिल्कुल ले जा सकते हो। ये जो है बहुत ही बेस्ट आईडी प्रूफ है, सभी एग्जाम में हम लोग यही उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ आपको आईडी प्रूफ में एक आधार कार्ड तो ले जाना ही होगा और मूल प्रति ले जाना है। याद रखना, वहां पर फोटोकॉपी नहीं ले जाना है भाई। इसके अलावा गर्मी का दिन है, प्यास भी लगती है तो बॉटल आप ले जा सकते हो। तो याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंट बॉटल आपको यूज करना होगा, अर्थात जो बॉटल आर पार दिखा जा सके, मतलब पानी पूरी तरीके से दिख रहा हो, ऐसे बॉटल का आपको उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह से प्रवेश पत्र डाउनलोड यदि कर रहे हैं, किसी भी तरह से यदि परीक्षा केंद्र के संबंध में कोई कठिनाई होती है, तो सीजी व्यापम द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 0771-1297-2780 या कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इस पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं और अपना जो भी शिकायत है उस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो 9 जून को पेपर होना है मेरे दोस्तों। आई होप आप सभी की जो तैयारी है प्री बीएससी बीएड प्री बीए बीएड की चल रही होगी। 4 वर्षीय प्रोग्राम है, मैं पुनः आपको बता दूं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आईटीईपी की तरह के ये आईटीईपी की प्रोग्राम है। आने वाले समय में अर्थात अभी जो है कुल 14 कॉलेजों में यह संचालित हो जाएगा और दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब जो है प्री डीएलएड पढ़ाई, मतलब प्री डीएलएड भी बंद हो जाएगा, डीएलएड की कोर्स भी जल्द बंद होने वाला है, साथ ही साथ प्लेन जो बीएड है वह भी अतिशीघ्र 2030 के बाद बंद हो जाएगा। सिर्फ पीजी वालों के लिए, जिन्होंने पीजी कर रखा होगा उनके लिए 1 साल का ही बीएड कोर्स संचालित होगा और वही दाखिला ले पाएंगे जिन्होंने पीजी की पढ़ाई किया हुआ है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको बता दूं, डीएलएड का कोर्स भी अब बंद हो जाएगा। प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो इंटीग्रेटेड कोर्सेस का जो चयन करते हैं, बीएससी बीएड बीए बीएड, तो वो एकमात्र ऐसा कोर्स रहेगा जिसमें आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई हायर सभी के लिए शिक्षक बनने के लिए आप पात्रता रख पाओगे। तो बिल्कुल जो साथी प्लेन फ्रेशर 12वीं हैं वो 4 वर्षीय बीएससी बीएड पढ़ाई कर सकते हैं और अपना शिक्षक के क्षेत्र में भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथी अगर नए हैं, आप बीएड डीएड की पढ़ाई के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल सीजी टेट की तैयारी, सीटेट की तैयारी, शिक्षक भर्ती की तैयारी, प्री
प्री बी एड डी एड की भी तैयारी आप सभी को करवाते रहता है। तो हमारे चैनल से जुड़े, बिल्कुल क्षेत्रीय चैनल है संगवारी हो, आपे मन के बीच से जुड़ा हुआ चैनल है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन, बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट देने का प्रयास करते हैं। जय हिंद।